बैक टू द रॉय रॉक स्टेटस। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडर्स आपको कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट लेना है पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे। तो वीडियो पे आप पूरा बने रहें, और ट्रेडर्स अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां पे भी ज्वाइन हो जाए। आपको जो वहां निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलता है, और आपको वहां लाइव मार्केट अपडेट भी देखने के लिए मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप हमारे लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होए, और आपको यहाँ पे स्कैनर आ रहा होगा तो सिंपली से आप उसे स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि जैसा कि ट्रेडर्स मार्केट में हमें काफी फॉल देखने के लिए मिला है, आज जो मार्केट जो काफी गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिला था, जो कि हम ट्रेडर्स प्री टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए थे, आज जो ट्रेडर्स देखे तो लगभग मार्केट जो है लगभग 1.5% से ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिला। लगभग 350 पॉइंट मार्केट जो आज नीचे गिरा, जो कि आप निफ्टी में भी देख सकते हैं, और ट्रेडर्स आप यहाँ बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी भी आज जो है काफी नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ये भी स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी स्टॉक जो लगभग यहाँ पे भी आपको लगभग ये भी 3 से 3.5% का, ये भी लगभग 3.5 पॉइंट लगभग ये भी गैप डाउन ओपनिंग। मार्केट जो काफी खासा क्रैश लगभग क्रैश ही कर गया, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे, तो जो भी स्टॉक दिए थे उसमें ट्रेडर्स कोई सा लेवल टिगर नहीं हुआ। तो ये स्टॉक में ट्रेडर्स बात करेंगे मार्केट हमें कब बुलिश देखने के लिए मिल सकता है, तो इसको अगर ट्रेडर्स ये जो है 49,735 से अगर नीचे आपको मार्केट ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिलेगा तो मार्केट यहाँ से बेयरिश ही और जाएगा। अगर मार्केट जो है 50,626 से ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा सा बुलिश देखने के लिए मिल सकता है। बात करेंगे ट्रेडर्स निफ्टी इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स में भी ट्रेडर्स अगर मार्केट जो आपको 23,850 से नीचे ट्रेड करते हुए नजर आएगा तो यहाँ से मार्केट जो है बेयरिश रहेगा, और यहाँ पे ट्रेडर्स आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि ट्रेडर्स हमारा इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट, जो कि हो जाएगा लगभग आपको ये 24,331.40 या 50 से ऊपर मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आएगा तो यहाँ से मार्केट बुलिश देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें ट्रेडर्स हमारा दोनों में लेवल बता दिए कि मार्केट आपको कब बुलिश और कब बेयरिश देखने के लिए मिलता है। तो कल देखते हैं ट्रेडर्स मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, या कल मार्केट में थोड़ा सा भी चांस है रिकवरी आने का। तो बात कर लेते हैं ट्रेडर्स आज जो स्टॉक ट्रेड करने दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज का ट्रेडर्स हमारा फर्स्ट स्टॉक था MFSL के तरफ से, जो कि ब्रेकआउट करने पे बाइंग बोले थे, जो कि इसमें भी ट्रेडर्स गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से इसमें भी हमारा कोई सा लेवल टिगर नहीं हुआ, तो ये भी स्टॉक हमारा अवॉइड हो गया। अगला इंट्राडे स्टॉक था CG पावर के तरफ से, इसमें भी ट्रेडर्स हमारा गैप डाउन ओपनिंग वजह से कोई सा लेवल टिगर नहीं हुआ। और अगला इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर्स अपोलो टायर्स, जो कि ट्रेडर्स गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ पे ट्रेडर्स देखे तो यहाँ पे रिटेस्ट किया था, जो कि एक उल्टा हैमर कैंडल बनाया था, तो यहाँ पे आपको एक सेल का सिग्नल मिल गया था, और यहाँ पे ट्रेडर्स देख सकते हैं जो कि एक बेयरिश इंगल्फिंग भी पैटर्न भी फॉर्म किया था। यहाँ से अगर आप ट्रेड लिए होंगे तो इसमें ट्रेडर्स अगर अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया होगा। अगर ट्रेडर्स आप हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे आ जाएगा, तो आप हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें ट्रेड लिए होंगे तो नीचे कॉमेंट करके आप जरूर बता दे। तो आज का ट्रेडर्स हमारा अगला इंट्राडे स्टॉक था रेमोंड की तरफ से, ये भी ट्रेडर्स गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से इसमें भी हमारा कोई सा लेवल टिगर नहीं हुआ, तो ये भी स्टॉक जो है अवॉइड हो गया। मार्केट में ट्रेडर्स पहले हमें बेयरिश देखने के लिए मिला, और यहाँ से एक ट्रैप भी देखने के लिए मिला था, कि जो कि मार्केट लग रहा था कि यहाँ से रिकवर कर सकता है, बट रिकवर करने के बाद मार्केट फिर से फॉल ही हो गया, तो यहाँ पे ट्रैप हो गया था मार्केट। और ट्रेडर्स अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, आपको यहाँ इन प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस करके बताते हैं, तो आप अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रेडर्स कल के लिए हमारा कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स हमारा फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा ITC की तरफ से, जिसको ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो यहाँ पे एक 10 लाइन को ये रेजिस्टेंस की तरह फेस करते हुए नजर आया है। यहाँ पे देखे तो फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया,
सेकेंड टाइम रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट लिया जो कि इस लेवल पे ये सपोर्ट लेके यहाँ से रिकवर किया है। तो अगर ट्रेडर्स चांस है अगर ये 10 लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ से निकलता है तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल होगा 488 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा 490 का, सेकेंड टारगेट होगा 492 का और इसमें स्टॉप लॉस 486 का रखेंगे। अगर ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट ट्रेडर्स आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे। मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप ओपनिंग होता है तभी आपको बाय के लिए जाना है, तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो आप अभी नहीं जुड़े हैं तो लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होए। तो बात कर लेते हैं ट्रेडर्स, कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक, कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक हो जाएगा टाटा केमिकल के तरफ से। इसमें भी ट्रेडर्स यहाँ पे एक 10 लाइन को देखे तो ये एक सपोर्ट लेवल पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था, ये सेकेंड टाइम सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने के बाद, यहाँ पे एक हायर लेवल लगाने के बाद यहाँ से ये स्टॉक सीधा सा फॉल करते हुए नजर आया है और ये फिर से यही सपोर्ट लेवल पे है। तो अगर ट्रेडर्स चांस है अगर ये सपोर्ट से नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, जिसमें हमारा एंट्री पोजिशन हो जाएगा 10554 से नीचे और इसमें फर्स्ट टारगेट रखेंगे 1054 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 1046 का और इसमें स्टॉप लॉस 1058 का रखेंगे। तो अगर ट्रेडर इसके नीचे ये ब्रेक डाउन करता है, सॉरी ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा लेवल जो है मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं लेवल। तो ट्रेडर्स हमारा यहाँ पे लेवल करेक्ट हो चुका है जो कि हम यहाँ पे सेल बनाएंगे 1045 से नीचे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट आपको 1036 का रखना है और स्टॉप लॉस 1050 को लेके चलना है। तो ब्रेक डाउन करेगा कल के सेशन में तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स ये जो है हमारा सेकेंड स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। और ट्रेडर्स बात कर लेते हैं हमारा पेड इक्विटी ग्रुप के बारे में, जो कि ट्रेडर्स आपको यहाँ पे डेली आपको 3 से 4 इंट्राडे स्टॉक देते हैं जो कि आपको यहाँ पे अच्छा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, जो कि यूट्यूब स्टॉक होगा उससे ज्यादा एक्यूरेसी, और आपको कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट लेगा पूरा डिटेल में बताएंगे। आज जो ट्रेड हम पेड इक्विटी ग्रुप में नहीं ट्रेड करवाए थे क्योंकि ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट है, लॉस करने से अच्छा है कि हमारा कैपिटल जो है सेफ रहे उतना ही रहे, इसलिए ट्रेडर्स जो कि आज इसमें हम जो भी लेवल दिए थे तो अवॉइड हो गया था। इस केस में हम बोले थे कि इसमें नहीं ट्रेड करने के लिए आज जो हमारा इस पेड इक्विटी ग्रुप में, बट इसमें आप देख सकते हैं ट्रेडर्स आपको यहाँ पे आप ज्वाइन होते हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर मेंबर का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड इक्विटी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका फी ट्रेडर्स सिर्फ जो है 199 पर मंथ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप अभी जाके हमारा पेड इक्विटी ग्रुप का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रेडर्स हमारा जो है अगला इंट्राडे स्टॉक यानी कल के लिए थर्ड इंट्राडे स्टॉक, जो कि हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के तरफ से। इसको ट्रेडर्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो ये स्टॉक में काफी अच्छा खासा गिरावट के बाद ये स्टॉक यहां से जो है एक लोअर लेवल लगाने के बाद ये स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश किया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टाइप का रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। तो अगर ट्रेडर्स ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा कल के सेशन में तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसमें ट्रेडर्स हमारा एंट्री पोजीशन हो जाएगा 2690 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट 2700 का रखेंगे, सेकेंड टारगेट 2710 का रखेंगे और इसमें स्टॉप लॉस 2680 का रखेंगे। तो अगर ट्रेडर कल के सेशन में ब्रेकआउट कर जाता है ये स्टॉक तब आप एंट्री ले सकते हैं, बट इसमें भी ध्यान देना है ट्रेडर्स आपको, जबकि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है वो हम टेलीग्राम पे बता देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। तो बात कर लेते हैं ट्रेडर्स कल के लिए हमारा फोर्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक, जो कि ट्रेडर्स हमारा हो जाएगा HDFC बैंक के तरफ से। इसको ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो ये भी स्टॉक में आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल पे ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ले चुका है, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम यहाँ पे मल्टीपल टाइम ले चुका है, यहाँ पे भी ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम ले चुका है। तो अगर ट्रेडर्स चांस है अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ से रिकवर ये जो सपोर्ट है इस लेवल का नीचे ब्रेक डाउन कर देगा तब आप यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो इसमें ट्रेडर्स आपको लेवल खुद से फाइंड करना है, तो फाइंड करके आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
और ट्रेडर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ये वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं।